दो का आंसर देंगे, जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया 2 और यहां पर हमने लिख दिया 4, और यहां पर टाइप क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया 2, यहां पर लिख दिया 4। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, पहले इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। कैसे क्लिक करेंगे? क्लिक करके नीचे की साइड ड्रैग कर देंगे। अगर आप ऐसे करते हैं, जैसे कि आप साइड में माउस पॉइंटर लेकर गए, देखिए अभी माउस पॉइंटर इसके जो कोने हैं इस पर आप माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, तो देखिए माउस पॉइंटर एक अलग टाइप में आ रहा है, पहले के दो माउस पॉइंटर थे। इस पर क्लिक करके अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये रहता है मूव का साइन, यानी आप उठाकर इसको किसी और जगह पर रखना चाहते हो, तो आपको माउस पॉइंटर पर ध्यान देना है। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखिए अपन ने 4। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे। माउस पॉइंटर जब तक प्लस के साइन में चेंज नहीं होगा तब तक आप इसको ड्रैग नहीं करेंगे। प्लस का साइन पे आपको ध्यान रखना इस तरह का आना चाहिए। क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे। देखिए अभी अपन ने इसमें 1 का अंतर दिया था, उसने 1 का ले लिया। यहाँ पे अपन ने 2 का अंतर दिया था, उसने 2 का ले लिया। इसी तरह से आप 3 का अंतर दोगे, वो 3 का ले लेगा, 4 का दोगे, 4 का ले लेगा। आया इतना समझ में? अगर ओनली आपने सिर्फ 1 लिखा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है 5, ठीक है 5 लिखा हुआ है, हम साइड में माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं और यहाँ पे भी लिख दिया, जैसा भी करना है आपको। हमने 5 लिख दिया, मतलब ओनली एक कोई भी संख्या है या कोई टेक्स्ट है, आप इसी को सब में लेकर आना चाहते हैं तो आप साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, क्लिक करके इसको ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए एक में 5 दिया था, सभी में इसने 5 5 5 कर दिया। हर एक में अपन को क्या करना, टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि आपने कोई नाम लिखा हुआ है यहाँ पर या कोई नंबर लिखा हुआ, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है 450, ठीक है, हम चाहते हैं सभी सेल में 450 450 आना चाहिए, तो साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, अगर एक अकेला लोगे, ड्रैग करोगे तो क्या होगा, सिर्फ ओनली एक को कर दो, अंतर दोगे 2 का तो वो 2 का अंतर ले लेगा, 3 का अंतर दोगे तो 3 का ले लेगा। आया समझ में? इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, पहाड़ी वगैरह लिखना है तो वो लिख सकते हो, जैसे कि हम इन दोनों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी अपन ने इसमें कितने का अंतर दिया, 1 का अंतर दिया और इसमें 2 का अंतर दिया। साइड में हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया, साइड में हम माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं इसके। आप जरूरी नहीं नीचे की साइड ही ड्रैग करो, आप उस साइड भी ड्रैग कर सकते हो, राइट साइड रो में भी ड्रैग कर सकते हो। क्लिक करेंगे और हम इसको ड्रैग कर देते हैं। आगे कहाँ जाएगा, क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने यहां से देखिए एक का अंतर है इन दोनों में, तो उसने 3 4 5 ले लिया। इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो यहाँ पर 2 का अंतर दे दिया उसने सब में। इन दोनों में 3 का अंतर है, इसने सब में 3 का अंतर दे दिया। ऐसे आप कर सकते हो, कर लेंगे, इतने में कोई डाउट है? ठीक है, और अपन आगे करेंगे इन चीजों को तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या रहता है, सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के लिए जैसे कि हमें क्या करना है, यहाँ का डाटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर देंगे। कैसे, आप नॉर्मली जो आपकी क्लिक होती है उसको, क्लिक को यहाँ पर दबा कर रखेंगे और क्लिक को छोड़ना नहीं, क्लिक को आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जहां तक का आपको, जहां से जहां तक का डाटा सिलेक्ट करना, और छोड़ देंगे तो वहां तक का डाटा वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने शिफ्ट, आपके कीबोर्ड में शिफ्ट की होती है, शिफ्ट की को आपको दबा के रखना है। आपके सामने ये एरोज होते हैं, ठीक है, अब आपको किस साइड सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है उस साइड, तो आप इस साइड वाला एरो दबाएंगे, राइट साइड वाला एरो दबाएंगे अगर आपको राइट साइड में सेलेक्ट करना है। आपको नीचे सेलेक्ट करना है तो आप डाउन वाला एरो दबाएंगे, ये 4 एरो कीज होती है ना, डाउन वाला एरो दबाएंगे। अगर आपको वापस ऊपर जाना है तो आप अप एरो दबा देंगे, क्योंकि अपन नीचे कर चुके हैं इसलिए वो वापस आ रहा है। लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट वाला एरो दबाएंगे। ठीक है, अब आप अपन इनका यूज करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है अभी? ठीक है, जब भी अपन इसमें फंक्शन लगाएंगे तो आपको इक्वल लगाना कंपलसरी है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा होम टैब के साथ। ठीक है, इसमें आप कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर ये सभी अपन पढ़ चुके हैं, आते हैं। ठीक है, अपन इनको थोड़ा सा फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करके हम इसको कॉपी करना चाहते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन किसके लिए है, कॉपी के लिए, ये है कट के लिए, पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। ठीक है, अब आप जैसे कि कोई टेक्स्ट आप पढ़ा लिख देते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है, हम इस कॉलम पर क्लिक कर रहे हैं, इसमें तो आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा
अगले वहीं पे भी जा रहा है, ये है नहीं है उस पर, बस हमें दिख रहा है कि इस पर भी जा रहा है क्योंकि इसमें जगह कम है तो इसलिए वो बाहर निकल गया। ये देखिए हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, आ रहा है नहीं आ रहा। जब हम इसमें कुछ लिख देंगे तो आप देखिए वो यहाँ पे है तो, लेकिन वो छुपा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, साइड में इसको माउस पॉइंटर को लेकर जाएंगे, इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है यही का यही हमें और कहीं भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे या फिर कॉपी पर क्लिक कर देंगे। आप एक्सेल के अंदर अगर कोई डाटा कॉपी करते हो या कट करते हो तो इस तरह से ये डैश डैश वाली लाइन आने लगती है, इससे आपको समझ में आता है कि ये कॉपी हो चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करिए, जहां भी आपको लेकर जाना है, इसको पेस्ट करना है, पेस्ट पर जाकर क्लिक कर दीजिए। हो गया पेस्ट, जितनी बार चाहे आप उतनी बार इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हटाना है और यहाँ पे रखना है। तो सिलेक्ट करेंगे, पहले कट पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल एक्स करेंगे, जहां ले जाना है उस जगह पर जाकर पेस्ट कर देंगे, कर लेंगे इतना। ठीक है, कट की, कॉपी की और पेस्ट की शॉर्टकट की बताइए, कट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स, कट की होती है इसके ऊपर अगर आप भूल जाते हैं माउस पॉइंटर लेकर जाइए, बता रहा है कट कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, अब इसके बाद आता है अगला फॉर्मेट पेंटर, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहला ग्रुप, ये ग्रुप कौन सा था, क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये है अपना फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अपने जो टेक्स्ट लिया था उस पर हमने, मान लीजिए यहाँ से इसमें कोई, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप किस तरह का इसमें फॉन्ट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसकी साइज क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट की साइज जो भी आप रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 72 तक ही आता है। अगर आपको इससे भी बड़ा करना है या फिर अपने अकॉर्डिंग करना है तो आप यहाँ से दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करके आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज यानी कि बढ़ा सकते हो, डिक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज कम होगा। यहाँ पर ये बता भी रहा है क्या हो रहा है, साइज बोल्ड करना है आपको, आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, और अगर आपको अंडरलाइन करना, यहाँ पर अंडरलाइन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक सिंगल अंडरलाइन और एक होती है डबल अंडरलाइन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आईसीएसई कंप्यूटर सेंटर लिखा हुआ है, इसी तरह से हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं विदिशा। ठीक है, हम चाहते हैं अगर हम इस टेक्स्ट को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और किसी अदर जगह पर पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वैसा का वैसा टेक्स्ट कॉपी होता है और पेस्ट हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है, अभी हमने यहाँ से जो भी इसको डबल अंडरलाइन और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब किया है, ये की यही फॉर्मेटिंग हमें इसमें भी करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे, माउस पॉइंटर चेंज हो गया, देख रहे हैं उसके आपके पॉइंटर के साथ एक ब्रश का साइन आ रहा है, आप इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। देखिए जो फॉर्मेटिंग इसमें थी वही की वही फॉर्मेटिंग इसमें आ गई। ठीक है, आप कॉपी से और कट से क्या कर सकते हो, जो भी आपका टेक्स्ट रहता है उसको कॉपी करते हैं और दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मेट पेंटर से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है यानी इसके अंदर जो भी अपन ने एडिटिंग की थी वही की वही एडिटिंग आप ये कॉपी करता है और दूसरी जगह पर आपको ये पेस्ट करके दे देता। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना कर लेंगे। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये होता है ऑल बॉर्डर का, ये अपन ने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था। यहाँ पे आपको ये जो लाइंस दिख रही है ये बॉर्डर तो है लेकिन ये बॉर्डर नहीं है, ये क्या है, ग्रिड लाइंस है। जब आप इस टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे, कंट्रोल पी से होता है प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नॉर्मल पेज में दिख रहा है, इसमें आप जो लिस्ट बनाएंगे उसमें क्या हो रहा है, लाइन नहीं आ रही, तो ये थोड़ा सा अजीब दिखेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या, ग्रिड लाइंस कभी भी प्रिंट में नहीं आती, हमने आपको एमएस वर्ड में भी बताया था। आप क्या चाहते हैं, इसके चारों तरफ बॉर्डर चाहते हैं, जितनी भी जगह में आप बॉर्डर चाहते हैं उतनी जगह आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। हम जैसे इतनी जगह में चाहते हैं बॉर्डर आनी चाहिए, इतनी जगह सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑप्शन आता है बॉर्डर वाले ऑप्शन पे के ड्रॉप डाउन एरो पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे बॉर्डर के ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें से पहला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ओनली जो आपने सेलेक्ट किया उसके बॉटम में यानी कि ओनली नीचे बॉर्डर आएगी, अगर आप यहाँ से टॉप बॉर्डर करेंगे तो ओनली टॉप में आएगी बॉर्डर, लेफ्ट करेंगे तो यहाँ से लेफ्ट में बॉर्डर आ जाएगी, राइट करेंगे तो राइट में बॉर्डर जाएगी, नो बॉर्डर कर देंगे तो क्या होगा कि पहले से कोई बॉर्डर है तो वो हट जाती है। अपन यहाँ से देखिए ऑल बॉर्डर कर रहे हैं तो देखिए सभी में बॉर्डर आ गई,
मतलब लाइन जहां जहां आपको दिख रही थी उन सभी पे कैसी होगी, डार्क डार्क लाइन।